मॉर्निंग गाइस, बेसिकली आज थोड़ा मौसम साफ़ हो रहा है, मतलब थोड़ी बारिश हो गई थी तो धूप थोड़ी बहुत है। सो बेसिकली हम लोग चल रहे हैं आज टेस्ट करने अपनी जिक्सर का, बिकॉज जब से मैं स्पीति से आया हूँ मैंने एवरेज टेस्ट नहीं करा और मुझे हो गया आई थिंक 1.5 साल हो गया है अपनी बाइक लिए हुए। सो फाइनली आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं और मैं निकल रहा हूँ अपने घर से, तो चलो भाई निकलते हैं, नीचे उतरते हैं। और आज थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी तो इसमें ना थोड़ा मौसम साफ हो गया तो मज़ा आएगा राइड करने में। तो भाई लोग, राजेश अभी मेरी बाइक में ना पैर लगाने वाला है, बिकॉज इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है। एक मिनट मैं स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, देख रहे स्टार्ट नहीं हो रही। और मेरी बाइक चली हुई है 8599 किलोमीटर। तो चलो राजेश लगा का पैर, कहाँ से, इधर से निकाले इधर से, चलो भाई। हाँ पावर डालना भैया, तो 3 भैया स्टार्ट राइट साइड में लगाते हैं पहले। तो चलो पहले इसका करते हैं यार मीटर 0 साइड में लगा के। और आज बारिश हुई है ना, उसके बाद भी देख रहे हो 15 मिनट पहले इतनी धूप निकल गई फिर से, नहीं तो मौसम बहुत साफ हो रहा था। तो करते हैं ट्रिप बी पे 0, तो देखो ट्रिप बी हो गया 0 और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कितना चलती है, देख रहे हो। चलो भाई और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं भी, हम लोग इतना इंस्टाग्राम पे ना अपना एक वर्क कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, जो लोग रोड साइड रहते हैं बेचारे, तो उनके लिए थोड़ा बहुत हम लोग डेली खाना वाना लेके जाते हैं ताकि उनके चेहरे पे एक स्माइल आए और अपने को एक छोटी सी खुशी मिल जाए बस। तो मैंने बैग में ना सारा सामान रख लिया, आपको भी वीडियो रोक के दिखाता हूँ मैंने क्या क्या दिया उन लोगों के लिए। तो अगर जिनको भी वो वीडियोस देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत कंटेंट देखने के लिए आपको मिलेगा। तो हमने करीब अभी चलाई है 2 किलोमीटर बाइक और यहाँ पर हमने राजू बाइक खड़ी करी सुतांशु बाइक की दुकान पर, बिकॉज इसकी बाइक में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये गियर आवाज़ कर रहा है इसका एक, तो उसको ठीक कराना है हम लोगों को, तो उसको नहीं छोड़ देते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं। तो भाई लोग जैसा कि मैंने आपको बताया था हम लोग इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या क्या लिया बच्चों के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ वन क्लिप्स हैं, कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ क्रंचीज हैं, कुछ लॉलीपॉप है मेरे पास। तो ये सारा सामान अभी हम लोग बच्चों को देने चल रहे हैं। ओवरऑल अभी हमने 3-4 किलोमीटर चलाई होगी, तो चलो निकलते हैं। और मैंने ना स्पीति में जो एक्सपीरियंस करा था इस बाइक के साथ, हुआ क्या था, बेसिकली एवरेज इसकी अच्छी आई थी, तो बहुत सारे लोग ना कमेंट कर रहे थे वीडियोस में कि भाई जिक्सर मेरी 2 साल पुरानी है, एवरेज 25 की दे रही है, कोई कह रहा 30 की दे रही है। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये एवरेज कितने की दे रही है, अगर ये एवरेज अच्छी दे रही होगी तो मैं इसको मेनटेन करके अच्छा रख रहा, तो मैं वीडियो में ना एग्जैक्ट आपको बता पाऊँगा कि ये मेनटेन करने से होगा या फिर कौन सी चीज़ें इससे आप अपनी माइलेज को बरकरार रख सकते हो, और वो मैं तभी बता पाऊँगा जब मैं इसकी एवरेज आज निकाल पाऊँगा। अगर ये 30 गई तो समझ जाना भाई मैं भी केयरलेस हूँ आप लोगों की तरह जो अपनी बाइक को मेंटेन नहीं कर पाते। अगर ये 40-45 गई तो मैं मान जाऊँगा भाई 1.5 साल बाद भी मैं इसकी कदर करता हूँ। और आपको पता ही यार मेरे लॉन्ग टूर होते हैं तो मेरी बाइक थोड़ी बहुत इधर उधर से टूट जाती है, बट कोई नहीं, वो तो मैनेज हो जाएगा, जब तक टूटेगी नहीं नई कैसे आएगी, और जब तक ये टूटेगी नहीं तो रिपेयर कैसे होगी। तो भाई लोग अभी हमारी बाइक चल चुकी है 11 किलोमीटर, हम लोग अभी एंड्रियसगंज के जाम में, तो हम लोग यहाँ बेसिकली बच्चों को ढूंढने आए थे, बच्चे तो अभी नहीं मिले, सारा बैग में हमारा खाना वैसे का वैसे पड़ा है, तो चलो निकलते हैं, बच्ची ऑन हो गई है। बाबा जी राम राम, लो बाबा जी, ठीक है जी, कपड़े चाहिए आपको, पटलाला कपड़ा चाहिए, अच्छा पैर में लगी हुई आपके, आप यहीं मिलना मुझे फिर, ठीक है आराम से बैठो आप, कुछ खाओगे, कुछ खाओगे लेके आऊँ, चिप्स, चिप्स तो मैं लाया हूँ, ये लो लो एक और एक ये ले लो, बच्चे चलो सर, जय श्री राम,
अभी हमारी बाइक चल चुकी है करीब 19.7 यानी कि मतलब करीब 20 किलोमीटर और गैस वोट हम लोग का है दिल्ली का जो हमारा फेवरेट जगह है ना जहाँ पर अक्सर कपल जाते हैं लोधी गार्डन। यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं अक्सर भाई, एक तो फ्री है, दूसरा प्राइवेसी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। अब लोग सोचेंगे तुझे कैसे पता भाई, हम भी आए हैं मतलब अकेले आए हैं, हम लोग भी दोस्त यारों के साथ, तो लोग मजाक उठाते हैं। अभी हमारी बाइक 20 किलोमीटर चलने वाली है, चल गई है, तो बस सोच रहे हैं आधी और चल जाए 20 किलोमीटर और, तो मज़ा आ जाएगा हम लोगों को। बाइक हमारी 24 किलोमीटर चल गई, ये देखो, और गेस व्हाट हम लोग कहाँ पहुँच गए, अभी दिखाता हूँ आपको मोड़ दूँ। हाँ ये देखो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, हम लोग चिड़ियाघर पहुँच चुके हैं। और आप लोग जी नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3-4 किलोमीटर में कैसे पहुँच गए, तो आपको मैं बता दूँ, हम जहाँ रहते हैं ना साउथ दिल्ली में, वहाँ से हर चीज़ें पास है, वहाँ से चिड़ियाघर भी पास है, लाल किला भी पास है, इंडिया गेट भी पास है, साउथ एक्स भी पास है और दिल्ली हार्ट भी पास है, सारी चीज़ें यहाँ से पास पड़ेंगी। तो गाइस मौसम देखो भाई क्या ज़बरदस्त हो चुका है, शाम के बज रहे हैं 5, बाइक हमारी 31 किलोमीटर चली है, बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था हम लोगों ने, तो फाइनली हम लोग अभी 10 किलोमीटर की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं, 10 किलोमीटर तक चल जाए, बाकी जितनी चलेगी आपको मैं वीडियो में दिखाता ही रहूँगा। सो गाइस फाइनली पेट्रोल हमारा ओवर हो चुका, रात के बज गए 8:30, 7:30, देख रहे हो भाई, अब दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चली है, 44 चल गई, मतलब चली तो 42 थी, 2 किलोमीटर हम लोग पैर लगा के आए हैं। सो चलो पेट्रोल पम्प सामने ही है, हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं इसमें, बाकी मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतना चलेगी, मुझे लग रहा था ट्रिप सही है तो करीब अराउंड 30-35 चलेगी, बट इसने मेरी इज्जत रख ली। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।